सो हेलो गाइस, फुलनी इज बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले क्रॉस हेयर की स्टेबिलिटी के बारे में। जो आपका जो क्रॉस हेयर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हिलता है। इसे आप स्टेबल कैसे बना सकते हैं, क्या उसके रीजंस है जिसके वजह से आपका जो क्रॉस हेयर है वो बहुत ज़्यादा हिलता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसके ऊपर मैं सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को और घंटे को भी दबाना मत भूलना। तो सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो बात करते हैं फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, वो है हमारी क्रॉस हेयर की सेंसी। सो हमारा जो सेंसी है अगर वो हाई रहेगी तो आप जब भी खेलेंगे तब आपका जो क्रॉस हेयर है वो शेक करने वाला है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट और हिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपके हिसाब से आपको लिए कौन सी बेस्ट सेंसी रहती है वो आपको सेट करनी है। मेरे हिसाब से अगर आप 400 रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। सो अगर आपका क्रॉस हेयर बहुत ज़्यादा हिलता है तो आपको अपनी जो सेंसी है वो कम करनी है और कम करके देखना है कि आपका क्रॉस हेयर हिलता है या नहीं। अगर आपका क्रॉस हेयर अभी भी नहीं हिल रहा है तो आपको और भी सेंसी कम करनी है। सो आपके लिए जो बेस्ट रहने वाली है वो आपको सेट करनी है, जिससे आपका जो क्रॉस हेयर है वो बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। सो एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से आपका जो क्रॉस हेयर है वो बहुत ज़्यादा शेक करता है। सो बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न की, वो है यूज़ ऑफ थम फायर बटन। अगर आप थम फायर बटन अच्छी तरीके से और करेक्ट तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आपको जो एम है वो, अगर आपकी उंगली थोड़ी भी हिलेगी तो वो आपका एम है वो हिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है। सो सीधा पड़ता है हमारे सोल्यूशन के ऊपर, क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके आपके सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये जो राइट वाला बटन है तो थंब फायर बटन है। अगर आप वो यूज़ करेंगे, अगर आपका जो थंब है वो थोड़ा भी हिलेगा तो आपका जो एम है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, बहुत बंदे और क्या करते हैं, वो जो थंब फायर बटन है उसको बढ़ा करके लेफ्ट साइड में इंडेक्स फिंगर के यहाँ यूज़ करते हैं। अगर आप वैसा ही उसे यूज़ करेंगे तो आपका जो एम है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है। अगर आप थंब फायर बटन यूज़ करना चाहती है और आपका जो एम है आपको फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो आपको जो सेंसिटिविटी रहती है स्क्रीन वाली, उसमें एडीएस रहती है थर्ड पर्सन नो स्कोप वाली, उसको आपको 1% पे शिफ्ट करना है, कम करना है। इसके बाद आपको जो एम है वो, अगर आपकी उंगली भी हिलेगी फायर बटन से तब भी वो हिलने वाला, जैसा एम है वैसे ही आपका रहने वाला है। आपको जो सारा एमिंग है वो आपको गायरो से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बस इतने थे वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को और घंटे के भी दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे प्लेइंग कीप ग्रोइंग।